भगवान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा, बोले ले देख जय श्री राम। Hey guys, this is UI Mantra Tarwal, और आज के लिए मैं हम बात करने वाले हैं NIT Trichy के बारे में, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले इन सानियत के लिए उस सब्सक्राइब बटन को दबा देना, क्योंकि मैं और कुछ भैया जो कि इस चैनल पे आने वाले हैं, उन सब ने मिलके पिछले काफी सारे दिनों में आपके लिए तीन कोर्स बनाए हैं, जिसमें पहला है आपका क्लास 11th फिजिक्स, दूसरा है आपका कॉलेज प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, कॉलेज प्लेसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होने वाला है। इनफैक्ट उसी को हमने दो कोर्सेज में डिवाइड किया है, और इन तीनों कोर्सेज के लिए ना आपको किसी कूपन कोड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये मार्केट में क्वालिटी वाइज सबसे बेस्ट होंगे, ठीक है, इसकी मैं इंश्योरेंस दे रहा हूँ। तो अगले एक महीने, डेढ़ महीने में काफ़ी धमाल होने वाला है, और जितने भी नए व्यूअर्स हैं यार, उन्हें मैं बता दूँ कि कॉलेज रिव्यू प्लेलिस्ट ऑलरेडी चल रही है, जिसमें हमने 20-25 कॉलेज कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आज हमारा 26वां कॉलेज होने वाला है NIT Trichy, इसके बारे में डिस्कस करें। तो यार ये हमारे इंडिया की बेस्ट NIT है, ठीक है, बेस्ट NIT है, तो ऑब्वियसली ऊपर के टॉप 10 कॉलेजेस में इंडिया के। वीडियो में डिस्कस करेंगे यार इसके कुछ खूबियों के बारे में, फिर वीडियो के अंत में इसको कंपेयर करेंगे इसके राइवल्स के साथ हेल्दी वे में, बिट्स पिलानी के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, टॉप IITs के साथ भी कंपेयर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। मोड ऑफ एडमिशन यार आपका वही JEE मेंस है, और आपकी काउंसलिंग है वो जोसा और सीसाब के थ्रू होगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको यार मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए, अनटिल अनलेस आप SC ST PWD हो, तब आपके 65% ही चाहिए 12वीं में। कैंपस एरिया की बात करें तो 800 एकड़, ये साइज में IIT दिल्ली से दो गुना है, IIT दिल्ली आपका 400 एकड़ का है। अगर हम हॉस्टल्स की बात करें तो भाई साहब ये शायद गिनती भूल गए, वो बोलते हैं ना आई स्टॉप्ड काउंटिंग आफ्टर 10, तो 22 तो बॉयज़ हॉस्टल हैं, 5 गर्ल्स हॉस्टल हैं, और 2 नए हॉस्टल अभी बन रहे हैं। अगर इंस्टीट्यूट फीस की बात करें यार तो सस्ता नहीं है, पर ओके ओके प्राइस है आपका 72,000 पर सेमेस्टर है, तो साल का आपका वही लगभग 1,40,000 के करीब हो गया, और इसमें भी थोड़ी सी रिफंडेबल फीस थी, तो लगभग 1,35,000 के करीब आप मान सकते हो। और हॉस्टल और जो मेस फीस है यार वो है आपकी करीबन 39,200 पर सेमेस्टर। अब यार यहाँ पे फी वेवर्स काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप SC ST कैटेगरी के हो तो यार आपकी 100% ट्यूशन फीस माफ़ है, अगर आप जनरल और OBC कैटेगरी के हो और आपकी फैमिली इनकम 1,00,000 से कम है तब भी आपकी ट्यूशन फीस पूरी माफ़ है, और अगर आपकी फैमिली इनकम 1 से 5 लाख के बीच में है तो आपकी 2/3 ट्यूशन फीस माफ़ है जनरल और OBC स्टूडेंट्स के लिए, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। अगर अब हम प्लेसमेंट स्टार्ट के बारे में डिस्कस करें तो यार इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने नंबर्स नहीं दे रखे कि एवरेज पैकेज हमारा ये है, हाईएस्ट पैकेज पर हर ब्रांच में ये गया है, वो सब नहीं दे रखा, इन्होंने बस ये दे रखा है कि कितने बच्चे प्लेस हुए हैं, समझ रहे हो। तो ये 2017-18 का दे रखा है कि सिविल इंजीनियरिंग में 84.8% बच्चे प्लेस हुए हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 100% बच्चों की प्लेसमेंट हुई है, और इस तरीके से मेंशन कर रखा है, और ये पिछले सालों का मेंशन कर रखा है। पर हम एवरेज पैकेज तो यार हर कॉलेज का निकालते हैं, चाहे वो मेंशन करें या नहीं करें। ये पोस्ट ग्रेजुएशन का है, ये भी आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। अब यार हम जल्दी से एवरेज प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे यार हम सिर्फ अंडर ग्रेजुएट्स BTech की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको MSc भी पढ़ाया जाता है, MCA का कोर्स भी है, MTech का भी है, पर हम सिर्फ BTech को कवर करेंगे। अब इन्होंने यार अपने रिकॉर्ड्स में कुछ मेंशन नहीं करा है कि एवरेज पैकेज कितना है, हाईएस्ट पैकेज कितना है, पर मैं आपको एक बहुत क्लोज गेस्टिमेट यहाँ पे देने वाला हूँ, ठीक है। तो लगभग 289 कंपनीज ने विजिट किया है NIT Trichy को 2017-18 में, और 289 एक बहुत अच्छा नंबर है। आप में से कुछ को डाउट आ सकता है कि भैया लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में 550 कंपनियां आई थी, तो 289 तो बहुत कम नंबर है यार। एक पॉइंट समझो, जितनी भी आपकी IITs हैं, NITs हैं, IIITs हैं, बिट्स हो गया, NSIT, DTU, जादवपुर, BIT मिश्रा, ये अच्छे कॉलेजेस हैं, और ये किसी भी कंपनी जो 4 या 5 लाख से कम का पैकेज देती है ना, उन्हें ज़्यादातरों को अलाउ नहीं करती है कैंपस प्लेसमेंट्स में, ठीक है। ये 289 सारी अच्छी कंपनीज होती हैं यूजुअली, ठीक है, पॉइंट समझ गए। अब एवरेज पैकेज की बात करें तो यार
इस लेवल का जो कॉलेज है उसका समवेयर अराउंड 8 to 10.5 lakhs होगा, ठीक है, 8 से 10.5 लाख के बीच में। ऑल दो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे 6 लाख मेंशन करा हुआ है यार, पर जितना मैंने रिसर्च किया उससे पता चला कि वो शायद पुराने स्टार्ट्स हैं और इन्होंने अभी तक अपनी वेबसाइट अपडेट नहीं करी है, ठीक है, वो 2014-15 के स्टार्ट्स हैं शायद। अब अगर हम कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज आपको बताऊं तो यार वो 17 से 20 लाख के बीच में है, ठीक है, वो 20 से ऊपर ही हो सकता है, 17 से कम तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि मैं खुद NSIT IIT में हूँ, हमारा यार समवेयर अराउंड 17 लाख गया था, मैंने अपनी क्लास के बच्चों का कैलकुलेट एवरेज किया था, और NIT ट्रिची डेफिनेटली बेटर है मेरे कॉलेज से, तो उसका 17 से 20 के बीच में कुछ होना चाहिए। कंपनीज कौन सी विजिट हुई वहाँ पे? Amazon, गोल्डमैन सैक्स, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, अडोबी, डीशॉ, मॉर्गन स्टैनली, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, गूगल, सैमसंग। अब ये सारी वो कंपनीज हैं यार जो कि आपकी 15 लाख से ऊपर का पैकेज देती हैं, ठीक है। Amazon आपका 27 से 29 लाख के बीच में देती है, गोल्डमैन सैक्स आपका 35 लाख का पैकेज देती है, पर NITs में कम देती है, ठीक है, कहीं कहीं पे 21 लाख का भी देती है। माइक्रोसॉफ्ट 40 लाख का पैकेज देती है, अडोबी आपका वही 21 से 31 लाख के बीच का पैकेज देती है, ठीक है, और आपका सैमसंग 18 लाख का पैकेज देती है, सारी तगड़ी कंपनीज हैं। अब यार यहाँ पे बच्चों को एक डाउट होता है कि भैया मेरी एक अच्छी रैंक आई है तो मैं क्या NIT ट्रिची में जाऊँ, NIT सूरत में जाऊँ, या फिर IIITs में जाऊँ, या फिर बिट्स में जाऊँ, या फिर मैं तो दिल्ली का स्टूडेंट हूँ तो क्या मैं DTU, NSIT, IIIT दिल्ली में एडमिशन ले लूँ, या फिर अगर हम ऊपर की 4-5 IITs आप छोड़ दो तो उसके बाद जो बची हुई IITs हैं क्या मैं उनमें एडमिशन ले लूँ। तो यार देखो एक पॉइंट समझो, ये जितने भी कॉलेजेस हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, ये प्लेसमेंट वाइज अपॉर्चुनिटी वाइज सेम लेवल पे हैं, क्योंकि इन सभी कॉलेजेस के अंदर ये सारी कंपनीज जाती हैं, ये सारी की सारी कंपनीज जाती हैं। और एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं DPS आरकेपुरम के मैं स्टूडेंट था तो मेरी क्लास में 2 बच्चे थे जिनकी JEE मेंस में रैंक 600 से 700 के बीच में आई थी, मतलब उनका पूरे इंडिया में किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो सकता था, पर उनमें से एक गया IIIT दिल्ली जो कि वहाँ पर रिसेंटली खुला था, 2008 में ही खुला है, तो 2015 में उसमें एडमिशन लेना एक काफ़ी बड़ा रिस्क सा था, ठीक है, और उनमें से एक गया दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। क्यों? क्योंकि यार अपॉर्चुनिटी सेम है, ये सारी कंपनीज IIIT दिल्ली में भी आती हैं, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी आई हैं, NSIT में भी आई हैं, NIT सूरत में भी जाएंगी, बिट्स पिलानी में भी जाएंगी, और आपका NIT ट्रिची में भी जाएंगी, तो अपॉर्चुनिटी वाइज कोई मेजर डिफरेंस नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे यार मेरे को गलत मत समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि NIT ट्रिची, IIIT दिल्ली और आपका दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी ये तीनों सेम लेवल पे हैं, मैं कह रहा हूँ प्लेसमेंट वाइज अपॉर्चुनिटी वाइज ये लगभग 19-20 का ही फ़र्क हो सकता है मैक्स सेम लेवल पे। हाँ NIT ट्रिची का कैंपस एरिया बड़ा हो सकता है इनफैक्ट NIT ट्रिची में रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, NIT ट्रिची की फैकल्टीज़ थोड़ी सी बेटर हैं, NIT ट्रिची ब्रांड वैल्यू DTU से एक बड़ी है, ठीक है, पर अपॉर्चुनिटी वाइज मैंने वो बोला था कि 19-20 का ही फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। अब अगर हम कोर्सेज ऑफर्ड की बात करें तो यार लगभग सारी मेजर स्ट्रीम्स हैं यहाँ पे, कंप्यूटर साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ECE, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, IIIE। अब आप में से कुछ बच्चों को डाउट आ सकता है कि ECE और IIIE में क्या फ़र्क है, तो इसके ऊपर यार मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, ठीक है, आप सर्च कर सकते हो ECE वर्सेज IIIE अमन दत्तरवाल, वो वीडियो आ जाएगा। और यार यहाँ पे आर्किटेक्चर का भी कोर्स है 5 साल का, ठीक है। अब लगभग सीट क्या है यहाँ पे वो भी आपको बता देता हूँ यार, लगभग हर कोर्स में 100 सीट हैं, जिनमें से आधी सीट लगभग होम स्टेट वाले बच्चों की हैं और आधी सीट आपके आउटसाइड स्टेट वाले बच्चों की हैं, और इसमें यार आपकी जो लड़कियाँ हैं उनकी अलग सीट होती हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें भी कवर हो गई हैं। अगर हम कट ऑफ देखें तो सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं यार, ये आपकी कट ऑफ्स हैं, तो हम यार सीधा यहाँ पे कंप्यूटर साइंस वाली सारी देख डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आपकी होम स्टेट कोटा के अंदर फीमेल ओनली कैटेगरी में 4,500 क्लोजिंग रैंक थी, और आपकी होम स्टेट कैटेगरी में जनरल कैटेगरी के लिए जनरल न्यूट्रल मतलब बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ 4,041 रैंक थी क्लोजिंग रैंक। सिमिलरली आप यार नीचे और भी देख सकते हो, अगर हम आउटसाइड स्टेट वालों में बात करें तो एक सेकेंड, आपका ओपन कैटेगरी में क्लोजिंग रैंक थी 1,755, ठीक है, वो ऑब्वियसली आउटसाइड स्टेट में यार कंपटीशन और बढ़ जाता है, और सिमिलरली आपकी जनरल न्यूट्रल कैटेगरी में थी 1,140। तो आप एक तरह से यूँ कह सकते हो JEE मेंस के सारे टॉपर्स इसी कॉलेज में आ रहे हैं, तो जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी बढ़िया होने वाला है। अगर हम फेस्ट को डिस्कस करें तो मैं आपको थोड़ी क्लिप्स भी दिखा देता हूँ यार यहाँ पे,
तो इनका फेस्ट काफ़ी अच्छा है, कल्चरल फेस्ट है इनका फेस्टेम्बर, इनका जो टेक्निकल फेस्ट है यार वो होता है प्रज्ञान, और इनका स्पोर्ट्स फेस्ट होता है स्पोर्ट्स फीट। ठीक है, तो अगर रिलेटिव एक कंपैरिजन करूं तो काफ़ी अच्छा फेस्ट है। अब हम यार थोड़ा हॉस्टल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं वहाँ के हॉस्टल की, काफ़ी सारे हॉस्टल हैं यार, ठीक है 27 हॉस्टल बन चुके हैं, दो और बन रहे हैं, तो काफ़ी सारे पिक्चर हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस हैं, और आप हर फोटो में एक चीज़ देख सकते हो, काफ़ी सारी साइकिलें खड़ी हैं। एक्चुअली इनका कैंपस इतना बड़ा है कि आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए साइकिल चाहिए होती है। ये इनके नए जो हॉस्टल बन रहे हैं उनकी फ़ोटोज़ दिखा रखी हैं अंदर से। तो ये आपके कॉमन बाथरूम होते हैं यार, ठीक है काफ़ी सारे कमरे होंगे जैसे सेम फ्लोर पे, और सिंगल फ्लोर पे दो बाथरूम बना देंगे ऐसे इस तरह के। ठीक है, ये पार्क वगैरह है, और ये जो आप ब्लू वाला देख रहे हो ये आपकी साइकिल पार्किंग है। ठीक है, तो ये यार यहाँ पे इन्होंने अपना अरेंजमेंट बता रखा है कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होंगे उनके हॉस्टल के नाम ये हैं, और वो कितने सीटर हैं, 4 सीटर, सिंगल सीटर, ट्रिपल सीटर। फिर आप यार सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में आपको डबल सीटर रूम मिलता है यहाँ पे। जो कमरे हैं वो काफ़ी स्पेशियस हैं, और यार एक डर होता है हर बच्चे को 12वीं में कि मैं हॉस्टल में जाऊँगा तो मैं मस्ती तो बहुत करूँगा पर शायद खाना बहुत ख़राब होगा, या फिर कमरे बहुत गंदे होंगे, हाइजीन बहुत ख़राब होगा। पर रियलिटी पता है क्या है, हाँ थोड़ा सा ख़राब लगता है, हाइजीन वगैरह बाथरूम वगैरह बीच में लग सकते हैं, पर आपको उनकी आदत हो जाती है। ठीक है, मतलब आप ग्रो कर जाते हो यार उसमें से भी, उसमें भी एक अलग मज़ा है। मतलब तुम 4 साल बाद हॉस्टल छोड़ोगे ना तो रो रहे होगे, चाहे कितना ही हो गंदा हॉस्टल क्यों ना हो, समझ रहे हो कि यार मेरे को हॉस्टल छोड़ के अब जाना पड़ेगा, अब मेरे को एक अच्छे सुंदर अपार्टमेंट में रहना पड़ेगा। मतलब इस लेवल का दुख होता है, क्योंकि हॉस्टल है ना यार उसके हाइजीन या उसके खाने से नहीं बनता, हॉस्टल बनता है वहाँ पे जो आपके दोस्त आपके साथ रह रहे होंगे, वो जो बॉन्डिंग आप वहाँ पे बनाओगे। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक हॉस्टलर और एक डे स्कॉलर के कंपैरिजन में अपना कॉलेज लाइफ बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है, मिनिमम 2-3 गुना ज़्यादा, समझ रहे हो, साथ में मूवी देखना, साथ में खाना खाने जाना। और हॉस्टल खाना है ना कभी कभी इतना बोर कर देता है, तो आपकी यार यहाँ पे नाइट में से मैं बताना भूल गया बातों में, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो रात के 2-3 बजे तक भी आप खाना खा सकते हो। आपके कॉमन रूम्स वगैरह भी हैं यार यहाँ पे, जहाँ पे आपका टीटी वगैरह आप खेल सकते हो, काफ़ी स्पेशियस हैं। जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो काफ़ी पास है हॉस्टल के, तो वो सारी चीज़ों की तो चिंता करनी ही नहीं है। और फैसिलिटीज़ की अगर बात करें यार तो काफ़ी हैं, इनकी जो लाइब्रेरी है वो बहुत बड़ी है, वहाँ पर आप एग्ज़ाम्स के दौरान पढ़ सकते हो, हॉस्पिटल आपके पास 24/7 रहेगा, और स्विमिंग पूल भी है। ठीक है, तो ये यार आपका स्विमिंग पूल है जो कि 25 मीटर लेंथ का है, और स्पोर्ट्स जो फेस्ट होता है यार उस दौरान यहाँ पे गेम्स भी होते हैं इसके अंदर। और क्लीनिनेस की चिंता मत करना, इन्होंने कहा है कि हर 10 घंटे में इसका पानी जो है वो दोबारा साफ़ होता है, तो एक अच्छी चीज़ है। तो ये इनका यार कंप्यूटर सेंटर है, ठीक है, जहाँ पे आप 24/7 कहीं भी कभी भी जा सकते हो। और स्पीड की तो यार बात मत करना, 10 Gbps का फाइबर ऑप्टिक केबल लगा हुआ है, तो मतलब ये हर कॉलेज में होता है पर इन्होंने एक स्पेसिफिकली बिल्डिंग बना रखी है, तो मतलब हर चीज़ बड़ी है यहाँ पे। साथ में यार अगर आप मेस के खाने से बोर हो जाओ तो अंदर काफ़ी सारी कैंटीन भी हैं, और साथ में कैफ़े कॉफ़ी डे भी है, तो वहाँ पे जाके भी आप इन्जॉय कर सकते हो। आते हैं यार लास्ट टॉपिक पे, एनआईटी ट्रिची वर्सेस बिट्स पिलानी, और यहाँ पे मैं अपना हर शब्द काफ़ी सोच के बोलने वाला हूँ, वरना तो मुझे कमेंट सेक्शन में धो दोगे। ठीक है, अब मैं दोनों में से यार किसी भी कॉलेज में से नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें एक अनबायस्ड रिव्यू दूंगा यहाँ पे, कोशिश करूँगा। ठीक है, क्योंकि कोरा पे आप जाते हो एनआईटी ट्रिची वाला बिट्स की बुराई कर रहा होता है, और बिट्स वाले एनआईटी की बुराई कर रहे होते हैं, तो एक अनबायस्ड रिव्यू देने की कोशिश करूँगा। देखो यार सबसे पहले जो चीज़ आपके और मेरे दिमाग में आती है वो होती है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट वाइज दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, सेम कंपनी इधर जाती है, सेम कंपनी उधर जाती है, तो अपॉर्चुनिटी वाइज दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो प्लेसमेंट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड, जो हम इंडियंस होते हैं, जो सबसे बड़ा टॉपिक हमें कंसर्न करता है वो होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि मैं कितनी फ़ीस दे रहा हूँ और कितना मेरे को एवरेज पैकेज मिल रहा है। तो एवरेज पैकेज तो सेम है पर फीस दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और मैं आप हम में से 80% ऑडियंस है ना मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है, तो वहाँ पे यार डेफिनेटली एनआईटी ट्रिची जीतेगा, क्योंकि बिट्स पिलानी की लगभग 2 गुना फीस है, मैं 2 बार बीटेक कर लूँगा वहाँ से। पर यार जो एक्स्ट्रा फीस वो लेते हैं उसके कुछ पर्क्स भी हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक हॉस्टल लाइफ मिलेगी, क्योंकि हाइजीन वाइजीन, एयर कंडीशन रूम वो सब आपको मिलेंगे, आपकी कैंटीन काफ़ी अच्छी होंगी, आपका जो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा होगा। एट द एंड यार समराइज़ इसी चीज़ पे करूँगा कि दोनों कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, पर अगर आपको इन दोनों में से एक को चूज़ करना है तो 2 ही फैक्टर मैटर करने चाहिए। पहला यार आपके फाइनेंसेस, और जो दूसरा है
वो है लोकेशन। एनआईटी ट्रिची आपका एकदम डीप साउथ में, और बिट्स पिलानी आपका नॉर्थ राजस्थान में। तो अगर आप मतलब राजस्थान में ही रहते हो और फाइनेंसेस आपके लिए एक बड़ा लोड नहीं है, तो डेफिनेटली आप बिट्स पिलानी में जाओ। अगर आप भाई नीचे साउथ में रहते हो और आप अपने घर के पास ही कॉलेज चाहते हो, तो भाई आप ट्रिची में जाओ। अगर फाइनेंसेस आपके लिए एक इशू हैं, तो ऑब्वियसली आप एनआईटी ट्रिची में जाओ। अगर फाइनेंसेस कोई इशू नहीं है और आप एक लेविश लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, कॉलेज लाइफ जीना चाहते हो, ठीक है, तो आप बिट्स पिलानी में जाओ। एक छोटा सा पॉइंट और है यार यहाँ पे, कि बिट्स पिलानी आपका प्राइवेट कॉलेज है, मतलब कोई रिजर्वेशन नहीं है, मतलब सारे बच्चे जनरल कैटेगरी के, एक अच्छा स्लॉट ऐसा सोचते हैं। पर यार टू बी ऑनेस्ट, जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है, एक बार कॉलेज में आप आ जाते हो तो ये चीज़ ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि प्लेसमेंट्स के दौरान मैंने काफ़ी ऐसे बच्चे देखे हैं जो ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी के थे, इनफैक्ट डिफेंस कैटेगरी के भी थे, और काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट ग्रैब करके चले गए। तो क्राउड तो बहुत अच्छा है यार दोनों कॉलेजेस में पहले से, ठीक है, आपको एक वैरायटी भी मिलेगी। तो जो मेन जो चीज़ें हैं वो आपका फाइनेंसेस और लोकेशन। तो इसी के साथ यार चलते हैं, सी या, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना।